वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल हाउ टू चेंज द सेल ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने एक डिजिटल मल्टीमीटर है और इसको आप पहचानेंगे कैसे कि इसका जो है सेल वीक हो गया है। और इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको मैं थोड़ा क्लोज दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो आप इंडिकेशन देख रहे हैं, एक बैटरी का इंडिकेशन बना हुआ आ रहा है और ये इंडिकेशन जब आना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि आपका सेल वीक हो गया है और बहुत ही जल्दी, यानी कि मे बी 15-20 दिन में आप कैसा यूज़ करते हैं ये ख़राब होने वाला है, राइट। तो आपको जो है उस समय जो है सेल को चेंज कर देना चाहिए। और कभी कभी यदि आप इसका ध्यान नहीं देते हैं तो ये बिल्कुल डेड हो जाता है, राइट। तो अभी हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसको हम कैसे चेंज करेंगे। और ज़्यादातर जो है मल्टीमीटर्स आपको अलग अलग जो है कि आकार के मिलेंगे, और लेकिन जो फीचर्स हैं इसके, मोस्टली ये सारे कॉमन फीचर्स मतलब आपको हमेशा मिलेंगे। लाइक डीसी वोल्टेज को चेक करेगा, और ये मल्टीमीटर जो है आपका किलो ओम जो है रेजिस्टेंस को भी बताएगा। यहाँ ओम से लेकर के किलो ओम में है, यहाँ 2000 किलो ओम तक का मैक्सिमम इसका रेंज है। और ये ट्रांजिस्टर्स को भी NPN और PNP को भी मेजर करता है, और डायोड चेकिंग के लिए भी प्रोविज़न है यहाँ पर। तो इस तरह से आप देखेंगे एम्पियर का भी इसमें है, आप जो है कि यहाँ से चेक कर पाएंगे, और 10 एम्पियर जो है मैक्सिमम आप इससे चेक कर सकते हैं। और AC वोल्टेज जो है 750 वोल्ट जो है यहाँ पर मैक्सिमम है, आप चेक कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें के लिए मैंने जो है डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और आज हमारा टॉपिक है हम सेल कैसे चेंज करेंगे, इसलिए ज़्यादा उसके बारे में ना बात करते हुए हम आते हैं सेल को चेंज करने के लिए। तो आप देखेंगे सेल इसके जो है कि पीछे लगता है, हम यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं। और ये देखिए बैक साइड में यहाँ पर दो आपको जो है नट दिखाई दे रहे हैं, तो हमें इसको खोलना पड़ेगा और इसको हम खोल लेते हैं। तो इसके लिए आपको स्टार टाइप का जो है स्क्रू ड्राइवर लगेगा यहाँ पर, और आप जिसकी मदद से आप इसको खोल सकते हैं। और इसके बाद में आपको यहाँ पीछे से जो है हल्का सा लिफ्ट करना है और आगे की तरह ऐसे करके इसको निकाल लेना है, इसलिए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ कट पोर्शन है जिसमें फंसा रहता है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो है आपको वहाँ से गिर सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप निकाल रहे हैं तो इसको पीछे का पोर्शन हल्का उठा लें, यहाँ से हल्का सा उठा करके और इसको खींच लें। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है आगे फंसा रहता है, ठीक है, अन्यथा ये टूट टूट जाएगा। तो अब हमने इसको निकाल लिया है। आप देखेंगे यहाँ पर जो सेल है ये हाई वोल्ट का सेल इसमें लगा हुआ है, और इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ये हमने निकाल दिया इसको, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो इसको हम जो है यहाँ से इसको बाहर खींच लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से निकाल लिया है। कनेक्ट करते आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है ये पोर्शन है आपका पॉजिटिव और निगेटिव का ध्यान रखिएगा इसमें। तो हम अब जो है क्या करेंगे कि दूसरा हम नया सेल है उसको हम ले आते हैं। ये भी सेम हाई वोल्ट का ही सेल है, हालांकि ये सेल थोड़ा सा जो है कमज़ोर होता है, और अगर हमारे पास ऑप्शन है हम इसमें एवरेडी का या जो है दूसरा सेल डाल दें तो ज़्यादा बेटर है हाई वोल्ट के मुकाबले। तो ड्यूरा सेल हो या एवरेडी हो, ये दोनों बेटर हैं, लेकिन अभी हम जो है कि हाई वोल्ट का ही सेल डालने जा रहे हैं क्योंकि यही हमारे पास उपलब्ध है। तो ये देखिएगा आपका ये फॉरवर्ड साइड में जैसा हमने निकाला था, हमने इसको वापस उसी तरह से डाल दिया है। आप देख सकते हैं ये पोर्शन आपका जो है यानी कि चला गया है, स्प्रिंग टेंशन से ये फिक्स हो जाता है। हालांकि ये डिज़ाइन आप जो है अलग अलग तरह का देख सकते हैं मीटरों में। और अब इसको जो है हम वापस फिट करने से पहले एक बार हम स्विच ऑन करके देख लेते हैं कि ये जो बैटरी इंडिकेशन आ रहा था चला गया या नहीं। देखिए अब मैंने इसको ऑन किया है, जो बैटरी इंडिकेशन आप यहाँ पहले देख रहे थे अब यहाँ पर नहीं आ रहा है, और ये जो है ओनली डिजिट आ रहा है। यहाँ बैटरी इंडिकेशन आता था वो चला गया, इसका मतलब हमारा ये सेल ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे इसको पूरा टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब सेल डेड होता है तो आपको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने चेंज नहीं किया है टाइम से तो सेल में लीकेज स्टार्ट हो जाता है या जो है आपके सर्किट को डैमेज कर सकता है।
तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको टाइम से जो है सेल को चेंज कर देना चाहिए। तो ये है, और इसको लगाते वक्त भी आप इसको जो है स्लाइड करके ही इसको आगे की तरफ जो है थोड़ा सा प्रेस करते हैं ताकि वो जो है इसमें फिक्स हो जाए। और उसके बाद जो है आप यहाँ नीचे से इसको प्रेस कर दीजिएगा। देखिए अब यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ से चारों तरफ जो है बैठ गया है। फिर आप जो है इसके नट को आराम से इसको टाइट कर दीजिए, राइट। तो आपने नट को टाइट कर दिया है, ऐसे आप दूसरे को भी टाइट कर दीजिए। हालांकि इसका जो नट है बहुत ही बारीक उसमें लगता है, बारीक स्टार से आपको करना चाहिए। और ये देखिए अभी टाइट हो गया है, और अब हमारा जो है मल्टीमीटर रेडी है और ये सभी स्टेप पे काम कर रहा है। इवन पहले जो था कि हम जब इसकी कंटिन्यूटी वगैरह चेक करते थे तो उसका सायरन नहीं बच पाता था, क्योंकि जो है बैटरी बहुत वीक थी, और जिसकी वजह से कि हमें पता चला और इंडिकेशन भी बता रहा था। अब देखिए अब इसका सायरन भी आ रहा है, इसका बैटरी अब हमने चेंज कर दिया है, ये ठीक हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है सेल को कभी भी बैटरी आप इसका चेंज कर पाएंगे। और इंडिकेशन जो आपको यहाँ पर बैटरी मैंने बताया था कि जब सेल वीक होगा तो आपको यहाँ पर जो हम दिखा रहे थे यहाँ पर बैटरी का इंडिकेशन आ रहा था, और अब हमने चेंज कर दिया है तो बैटरी का इंडिकेशन नहीं आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहता हूँ जो आपको फ़ायदा देगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।